नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हाल ही में सीएसके की टीम जो है वो प्रैक्टिस करती हुई नजर आई, इंडोर प्रैक्टिस, और इंडोर प्रैक्टिस के दौरान भी धोनी लंबी लंबी हिटें मारते हुए नजर आए हैं। तमाम अपडेट्स लगातार आ रही हैं, हालांकि ग्राउंड के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से शायद फुटेजेस जो है वो नहीं आ रही है। लेकिन सीएसके जो धोनी की होम फ्रेंचाइजी है आईपीएल की, उन्होंने एक वीडियो साझा किया है जिसमें धोनी लंबी लंबी हिटें मारते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि धोनी की फिटनेस काफी अच्छी है, उन्होंने विकेट कीपिंग में भी शानदार अपने रंग दिखाए हैं और उसके बाद मैदान पर वो लंबी वॉक करते हुए और लंबी लंबी दौड़ लगाते हुए भी नजर आए। ये भी खबरें हैं कि धोनी फिलहाल फिट होकर वापस लौटे हैं और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि क्वारंटाइन नियम कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन 3 से 4 दिन खिलाड़ी जो है वो क्वारंटाइन में रहेंगे और उसके बाद फिर उनका एक अलग रूप देखने को मिलेगा, लेकिन इंडोर प्रैक्टिस जो है वो जारी है। ये भी खबरें हैं कि इस बार जो सीएसके की टीम है वो पूरे तरीके से अपना कैंप लगाएगी, पावर हिटिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बात सीएसके के कोच भी कह चुके हैं स्टीफन फ्लेमिंग कि इस बार सीएसके अलग एटीट्यूड के साथ खेलेगी, अटैकिंग गेम खेलेगी, क्योंकि सीएसके अगर डिफेंड करती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल की जो एक रन की जो हार है मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो उन्हें अभी भी चुभती है। शायद यही वजह है कि सीएसके की टीम जो है वो अटैकिंग गेम खेलेगी। हमने मार्च में भी देखा था जब सीएसके का कैंप था तो धोनी और रैना लंबी लंबी हिटे मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यही वजह है कि यहां पर एमएस धोनी जो है वो टीम में वापस आ सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। अब देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का ये अंदाज क्या आईपीएल जो 19 सितंबर से शुरू होगा वहां पर देखने को मिलता है या नहीं। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।